आपको दिखा के पीऊँ या ऐसे घूर रहा बेशर्मा, मतलब मुंह तो नीचे कर लो। पानी है? अरे दारू है, पानी से इतनी एनर्जी कहाँ आएगी। मेरा सर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, वो सबकी प्रॉब्लम का एक ही क्वेश्चन है। सर खड़े हैं यहाँ पे, हम सब इनसे ही सुनने आए हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम ये फेस करके बहुत आगे आ चुके हैं। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो मैं एग्री करता हूँ कि सब उस पर एग्री करेंगे कि आप इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर एनर्जी। कितने चाहते हैं ये हो आज के सेशन का टॉपिक? नहीं, सबको उठाना है। देखो भाई, खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हो रहे हैं। हमारे अंदर से ही एनर्जी निकलती चली जाए और उसके रुकने का कोई तरीका ना हो। जैसे एक है, अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, ये लाइट्स हैं यहाँ पर, इन सब के स्विच हैं। स्विच किसी ने ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, ये स्विच किसके हाथ में है? दुनिया के हाथ में है। और मजे की बात क्या है, यहाँ पे एक लाइट का एक स्विच होता है। अगर आप उस लाइट की तरह हो तो आपके 100 स्विच हैं या 1000 स्विच हैं, जितने रिलेटिव्स हैं सबके हाथ में स्विच है। किसी ने भी एक स्विच दबाया, ऑफ हो गए। फिर ऑन होने के लिए क्या करते हो, मेरी वीडियोस देखते हो? सर कुछ ऐसा कर दो कि मजा आ जाए, अंदर तक सुरसुरी छूटे हमारे अंदर तन बदन में। हाँ, ये सब टेम्पररी सॉल्यूशन है, इसका कोई फायदा नहीं है। रियल सॉल्यूशन क्या है कि बिल्कुल रिलैक्स होकर के आराम से ठंडे दिमाग से विद पेशेंस समझने की कोशिश करो कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। एक बात तो पक्की है, कहीं बाहर नहीं है, क्योंकि मैं किसके वीडियो देखूंगा? आपके पास तो फिर भी मैं हूं, मैं किसके देखूं, मेरे से बेटर कौन है? मेरा जो सोर्स है वो बाहर नहीं है, ये बात तो पक्की है। तो सोर्स अंदर ही है, और अगर वो सोर्स हमको समझ आ जाए तो फिर क्या फर्क होगा। एक तो है कि हम एक ऐसी लाइट बने जिसके अनलिमिटेड स्विचेस हैं और वो दुनिया के हाथ में है। ऑफ हो गए, फिर वापस से थोड़ी देर में ऑन हो गए, फिर ऑफ हो गए, फिर ऑन हो गए। एक तो ये तरीका है जीने का। एक है जस्ट लाइक सन, उसका कोई स्विच है क्या? उसको ऑफ करने का कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है। अब आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊंगा, जो आई एम नॉट टू श्योर आप कितना उसको डीपली समझ पाओगे, बट हो सके तो समझने की कोशिश करना। आपको सूरज बनना नहीं है, आप सब सूरज ही हो। मतलब आप में, मुझ में और दुनिया के किसी भी इंसान में कोई फर्क नहीं है, रत्ती भर भी। और ये आप मेरी आंखों में देख सकते हो कि मैं सच बोल रहा हूं या इज इट जस्ट अ पेप टॉक। यू अंडरस्टैंड व्हाट अ पेप टॉक इज? पेप टॉक मींस कि भाई कोई बंदा परेशान है, उसको बोल रहे हैं नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, जबकि हम खुद उस सिचुएशन में होंगे तो हमारी लगी पड़ी होगी। हाँ है, तो दिस इज जस्ट अ पेप टॉक, किसी को बोलने के लिए कि कोई मर गया है, नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, तू जाने के लिए तैयार है? नहीं नहीं, इट्स नॉट अ पेप टॉक। बहुत ही डीपर लेवल से आपको कुछ बोल रहा हूँ, हो सके तो इस बात को अपने अंदर तक जाने दो। आपको सूरज बनना नहीं है, सूरज के जैसा बनना नहीं है, आप वो ही हो। अनलिमिटेड आपके अंदर एनर्जी भरी पड़ी है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन सिर्फ अपने थॉट के लेवल पे आप छोटे होते चले जा रहे हो। एज किड्स आप सब में कितनी एनर्जी थी या नहीं थी? बहुत थी। कुछ फर्क पड़ता था? कभी किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब चलते ही चले जाते थे। घर वाले इतना कहते थे मत तोड़ना, नहीं तोड़ ही देते थे। नहीं, सुनते थे किसी की ना जी, मतलब कमाल की एनर्जी थी। तो अब वो क्या है ऐसा जो हमारी एनर्जी को खींच लेता है? मजे की बात क्या है, वो हम सबको पता है। जो दुखी है, डिप्रेस्ड है, एंशियस है, परेशान है, उसमें एनर्जी की कमी है। एनर्जी है भी तो नेगेटिव एनर्जी है। लड़ने मरने को तो तैयार है, बट उसको बोला जाए कोई कंस्ट्रक्टिव, कहाँ है? नहीं नहीं नहीं। तो ये पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एनर्जी हमारे अंदर से कहाँ से आती है? क्रिएटिव एनर्जी हमारे अंदर कहाँ से आती है? जब माइंड पूरी तरह से रिलैक्स होता है, माइंड पूरी तरह से एक जगह पर लगा हुआ होता है, उसमें हजार चीज़ें नहीं घूम रही होती है। नहीं तो हमारी ब्रेन की ऐसी हालत हो जाती है जैसे कोई कंप्यूटर हैंग हुआ पड़ा है। मोबाइल में आपने ऐप्स बहुत सारी डाउनलोड कर ली है, तो भाई अब टाइम आ गया फैक्ट्री सेटिंग्स को समझने का। समझे, बच्चे फैक्ट्री सेटिंग्स पे हैं, इसीलिए उनमें पूरी एनर्जी है। और इसका सोल्यूशन क्या है, अब आपको वापस से बच्चे के जैसा बनना है, इस दुनिया के बावजूद। ये दुनिया जो बड़ों की दुनिया है, बड़े मतलब महामूर्ख जो अपने आपको बड़ा समझते हैं।
शरीर बड़ा हो गया है, ऐसे भी चारों तरफ से फैले पड़े हैं, मैच्योरिटी लेवल जीरो है। बच्चों में फिर भी मैच्योरिटी होती है, बच्चों को पता है कि कहीं कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है तो हाँ फिर भी सुन लो, समझ लो, ये कर लो, बड़ों में ढेले की नहीं। तो रियल मैच्योरिटी इज व्हेन वी आर ईगर टू लर्न, व्हेन वी आर ओपन टू लर्न, पूरी तरह से हम अलर्ट हैं, अवेयर हैं हर मोमेंट में, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। अब रुक जाओ, अब बीच में मत बोलना, सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सुनना इज इम्पॉर्टेंट, बोलना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपके अगर हज़ार क्वेश्चंस हैं, अगर उन सबके भी मैंने जवाब दे दिए ना, हर एक के हज़ार लाखों नए क्वेश्चंस खड़े हो जाएंगे। समझने की कोशिश करूँ कहाँ से क्या बोल रहा हूँ। जब भी हम परेशान होते हैं हमारी एनर्जी कम होती है, जब हम परेशान नहीं होते हमारी एनर्जी अच्छी होती है, कमाल की होती है। तब देखो हम दुखी क्यों होते हैं, इट इज़ सो सिंपल। नंबर वन, हमको जो चीज़ें चाहिए सर्वाइव करने के लिए और वो हमारे पास में नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं। वो चीज़ें कहाँ से आती है? पैसे से। तो पैसे की वजह से हम दुखी होते हैं? डेफिनेटली होते हैं, कभी ये मत कह देना कि नहीं होते हैं। फंस जाओगे, उल्टे सीधे चक्रों में पड़ जाओगे, उल्टे सीधे बाबाओं के पास जाकर के धक्के खाओगे, उल्टी सीधी तरह की मेडिटेशंस करोगे, मेरा माइंड स्टेबल क्यों नहीं रहता है? भैया तेरी जेब में पैसा नहीं है, पहले पैसा कमा जाकर। इट इज़ सो ऑब्वियस, समझ गए? तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपके पास एटलीस्ट इतना पैसा होना चाहिए कि आपको अपने सर्वाइवल की टेंशन ना हो। इसमें कौन आपको बताएगा? मैं बताऊंगा? कोई और बताएगा? वो आपको खुद ही फिगर आउट करना है कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसके हिसाब से क्या आप कर सकते हो जहां से एटलीस्ट आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। दिस इज वन। दूसरा, हम दुखी कब होते हैं? जब हम जितना कमा रहे होते हैं उससे ज्यादा हमारे खर्चे होते हैं। होते हैं नहीं होते हैं? ये सुनने में बड़ा सिंपल सा लग रहा है, बट ये क्रेडिट कार्ड और ये वो ले लेते हैं धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे, थोड़ा थोड़ा क्या होता है। तो शुरू में एटलीस्ट आप इतना कर सकते हो कि शुरू में गाड़ी लेनी है, ये लेना है, वो लेना है, डाउन पेमेंट पे लेना है, चक्कर ही खत्म। नहीं है डाउन पेमेंट के पैसे, मत लो। ये अगर इतनी बेसिक सी भी बात आपको समझ आ रही है तो प्रेशर रिलीज हो गया आपके ऊपर से, बहुत मेजर प्रेशर रिलीज हो गया। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए, अपने अंदर ही अंदर कुछ भी कहानियां बनाने के लिए समझे, अपने अंदर ही अंदर हम कुछ भी कहानियां बना लेते हैं कि नहीं नहीं ये तो मुझे चाहिए ही, इसके बिना तो मेरी लाइफ चल ही नहीं सकती है, बाइक से मुझे गाड़ी लेनी ही पड़ेगी, और ले ली, उसके बाद में आपके बॉस ने आपकी ले ली समझे। होता है नहीं होता है? आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि मेरे पास में जितना पैसा है मेरे खर्चे उससे हमेशा ही कम रहे, अगर आपको बिना टेंशन के जीना है तो। ये आ गया दूसरा। तीसरा, हम दुखी क्यों होते हैं? कभी सोचा है क्यों होते हैं हम दुखी? कंपैरिजंस करते हैं। जब भी अपने आप को किसी से भी कंपेयर करते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, इस दुख को आप प्रेशर बोल सकते हो। और जिसके ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर है, अभी जैसे आपको बोला जाए भागने के लिए और आपके पीछे मैंने 50 किलो का एक बैग टांग दिया, कहूंगा भागो, और एक है कोई बैग ही नहीं है, कोई बैगेज नहीं है, किस केस में ज्यादा तेज भागोगे? ऑब्वियस है ना, ये बात है, बोलने की जरूरत है। तो अपने अंदर झांक करके देखो कितना प्रेशर है। अभी हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं किस वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। नंबर वन, पैसे की कमी से। नंबर टू, खर्चे ज्यादा होने की वजह से। नंबर थ्री, अपने आप को कंपेयर करने की वजह से। चाहे आप किसी से भी कंपेयर करो, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और प्रेशर ये मत समझना कि सिर्फ जब आप अपने आप को किसी ऐसे बंदे से कंपेयर करते हो जो आपसे ऊपर है तब आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। कोई बंदा आपसे नीचे है उससे भी अपने आप को कंपेयर करते हो तो प्रेशर क्रिएट होता है अंकल। क्यों? क्योंकि अब आपकी वॉट लगेगी ये सोच करके ही कि अगर वापस से मुझे उस लेवल पर डाल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा कि वो बंदा मेरे से आगे निकल गया तो पता नहीं क्या होगा, इसने मेरी कुर्सी ले ली तो पता नहीं क्या होगा। ये सब प्रेशर्स हैं, ये आपकी एनर्जी को खत्म करते चले जाएंगे। अपने आप को अपने दोस्तों से कंपेयर करो, ये करो वो करो, तो कंपैरिजन ऑफ एनी काइंड इज प्रेशर। ये तब आप समझ सकते हो जब बड़े रिलैक्स होकर के अपनी ब्रेन को आप ऑब्जर्व करते हो। जब आप बोलते हो मैं टॉपर हूं तो क्या होता है? क्या प्रेशर सिर्फ उस पर क्रिएट होता है जो बॉटम पे है या उस टॉपर पे भी क्रिएट होता है? समझ आ रही है मेरी बात है? तो इतनी हमारे अंदर अकल होनी चाहिए, हमको आगे बढ़ने के लिए लाइफ में अपने आप को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अपने पोटेंशियल को पहचानना है, उसके हिसाब से आगे बढ़ना है, किसी के जैसा नहीं बनना है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी फन्ने खाओ, उसके जैसा नहीं बनना है, अपने जैसा बनना है। और बताओ, और प्रेशर किस वजह से क्रिएट होता है? एक्सपेक्टेशंस। अब एक्सपेक्टेशंस क्या है? सिर्फ एक लाइन में बोलूंगा जिसमें आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस कवर हो जाएगी। ये जो दुनिया है जैसी है मुझे पसंद नहीं है, मैं चाहता हूं ये ऐसी हो जाए, यही तो है एक्सपेक्टेशंस, और क्या है? और जब भी आप इस तरह से एक्ट करते हो, यानी कि कोशिश करते हो उनको बदलने की, तो अगर वो बदल भी गए तब भी आप हारने वाले हो इस रास्ते पे चल करके। क्यों?
क्योंकि आपकी साइकी में क्या बैठेगा, आपके सबकॉन्शियस में क्या बैठेगा कि मैं बदल सकता हूँ. अगर मैं इसकी एक हैबिट बदल सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हस्बैंड वाइफ है उनकी प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से होती है. हस्बैंड कुछ बोलता है अपनी वाइफ को करने के लिए कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, मान लो पल्लू करना ही पड़ेगा. वो कहती है चलो कोई बात नहीं, एक ही तो बात है, कर देती हूँ ना. उसने पल्लू किया, अब आपको क्या लगता है वो हस्बैंड वहीं पे रुक जाएगा? वो क्या कहेगा? अब तुम्हें रोज सुबह उठ करके पैर भी छूने होंगे, रोज सुबह उठ करके मेरी आरती भी करनी होगी, रात को मेरे पैर भी दबाने होंगे. फिर एक दिन ऐसा आएगा वो गला दबा देगी अपना. अब इसमें नुकसान किसका हो रहा है, ध्यान से समझना, क्या सिर्फ उस लड़की का हो रहा है या इसका भी हो रहा है, लड़के का भी? ये देखने के लिए बड़ी समझ चाहिए. इसका भी हो रहा है, क्योंकि जब अलग होंगे तो दोनों को दुख होगा ना. उसको इतनी, मान लो उसकी 100 एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के बाद में उस लड़की ने रिवोल्ट किया, तो उसको दूसरी ऐसी लड़की कहां से मिलेगी जो उसकी 100 एक्सपेक्टेशंस पूरी करे. दूसरी शादी करेगा तो वहां पे तो कान के नीचे पड़ेंगे घुमा करके. समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? तो वो बंदा फंस गया ना, उसको आदत पड़ गई अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी करवाने की, और जब उसने रिवोल्ट किया तो अब इसको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं. तो समझदार तरीका क्या है लाइफ को जीने का? सबसे समझदार तरीका, जहां से बिना किसी प्रेशर के आप जी रहे हो, ये दुनिया जैसी है परफेक्ट है, कुछ भी नहीं बदलना है इस दुनिया के अंदर. नथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड, नथिंग नीड्स टू बी टच्ड. जहां आपने किसी भी चीज को छुआ अपने माइंड के लेवल पे एक्सपेक्टेशन वाइज, आपको दुखी होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती. अपने आप को मेरी जगह पर रख करके देखो, अगर मेरे अंदर हल्की सी भी एक्सपेक्टेशन आई कि आपको समझ आना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूं, तो मुझे पागल होने से कोई नहीं रोक सकता. मुझे पता ढेले का समझ नहीं आना आप में से किसी को, सब ऊपर से जाने वाला है. जाने दो, पतंगों को जल जाने दो, पतंगे इसीलिए पैदा हुए हैं, ये इस दुनिया की कहानी है. पता है कि आग में जलना बुरा है, लेकिन क्या करें, फड़फड़ा रहे हैं अंदर से, चलेंगे, चलने दो. इसको समअप कर देते हैं चारों चीजों को. नंबर वन, आपको पैसे से ऊपर उठना है, आपके पास उससे ज्यादा पैसा होना चाहिए जितनी आपकी नीड्स है. नंबर टू, अपने डिजायर्स को पूरा करना है तो अपनी कमाई को बढ़ाओ. सुनने में बड़ा बेसिक लगेगा, लो फेरारी डाउन पेमेंट पे कौन मना कर रहा है? पहले कमाई बढ़ाओ, बाद में खर्चे बढ़ाओ. खर्चे कमाई से कम, बेसिक्स ऑफ लाइफ, प्रेशर कभी क्रिएट नहीं होगा. नंबर थ्री क्या था, बोलो बोलो बोलो, कंपैरिजन. इस कंपैरिजन के कीड़े से अपने आप को बचा लो. ना अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है ये बोल करके कि देखो मैं तो ये कर गया, मैं तो वो, ना ये करना है कि देखो वो क्या कर गया और मैं वही रह गया. दोनों तरफ से प्रेशर क्रिएट होता है, दोनों जगह से बाहर निकल आओ. ये आगे पीछे का गेम चलता रहता है इस दुनिया में, इसमें ज्यादा ध्यान मत दो, अपने काम पे ध्यान दो. जिसके काम में दम है वो इस रेस से बाहर आ सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. इस रेस में जीतना इज नॉट इंपॉर्टेंट. गधों की रेस में जीतना इंपॉर्टेंट है, या इस गधों की रेस से बाहर निकलना इंपॉर्टेंट है, उसकी बात हो रही है आज यहां पर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा पॉइंट, एक्सपेक्टेशंस को जीरो कर दो. क्यों? क्योंकि चाहे एक्सपेक्टेशंस पूरी हो चाहे ना हो, दोनों ही तरफ से मैं मरने वाला हूं, तो ऐसा काम करना ही क्यों है? ये फॉर्मूला है जिसको दुनिया की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती. किस चीज का फॉर्मूला है? बिना प्रेशर के लाइफ को जीने का.